अरे संतोष सर। अरे शंभू जी कैसे हैं भाई? अरे सर थोड़ा फिट होने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं सर। नाकाम कोशिश क्यों? अरे फिट रहने की कोशिश करना ही चाहिए। अरे सर आपकी तरफ से पुलिस में थोड़ा आपकी तो आदत हो गई है सर। ऐसा नहीं है संभू जी, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो फिट रहने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशन से फिट रहने का कोई संबंध नहीं है, जिसे फिट रहने का शौक है वो फिट रहता है। चलो ऑटो साहब बैठो, चलो ऑटो चलो। सर इनका नाम तो संतोष मिश्रा है, आजाद नगर थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर संतोष मिश्रा। एक पुलिस वाले की हत्या, शिंदे 3 गोलियां चली है, 1 माथे पे और 2 सीने में। यस सर। कदम पूछो यहाँ पे किसी ने कुछ देखा है क्या? जॉगिंग टाइम पे हत्या हुई है, किसी ने कुछ तो देखा होगा। हाँ सर मैंने देखा, सर मैंने देखा। क्या देखा तुमने? वो 3 थे, तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं सर, उन्हें चेहरे पे रुमाल लगाया था सर। हाँ लगाया ही होगा, वैसे अभी चेहरा छुपाना तो कानूनी हो गया है। तुमने कहा कि वो बाइक से आए थे, उनका बाइक का नंबर देखा? हाँ माफ करिए सर, मैं उधर था, उधर से जब गोली की आवाज़ सुना तो देखा तो संतोष सर जमीन पे गिरे थे, फिर बाइक का आवाज़ सुनकर भागा, लेकिन वो अगले मोड़ से मुड़ चुके थे, मैं नंबर नहीं देख सका सर। शिंदे जरा सामने की सड़क पर और मोड़ पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, चेक कर लो। ठीक है सर। कदम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पाक को सील करो। देखिए हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हम और हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके दुख में शामिल है। संतोष सर के बारे में हमने जो सुना और खबरों में जो पढ़ा उससे हमें उन पर नाज है, वो एक बहादुर पुलिस वाले थे। आप चिंता ना करें, हम उनके हत्यारों को जल्दी पकड़ लेंगे। उन्हें नहीं छोड़िएगा आप, और उन लोगों को फांसी से कम सजा ना होए, उन लोगों ने मुझे विधवा और मेरे बेटे को अनाथ किया है। नहीं छोड़ेंगे, आपसे वादा है। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी काव्या जी। जी संतोष जी पुलिस में थे तो जाहिर सी बातें उनके दुश्मन भी होंगे ही, तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि घर पर वो कभी परेशान रहे होंगे, या उन्हें किसी चीज़ को लेकर धमकी मिली हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो डेली रूटीन से हटकर हुई हो और जिसकी आपको जानकारी हो? वो पुलिस में थे, उनके दुश्मन भी होंगे और वो परेशान भी थे, वो बहादुर बहुत थे और मरने से कभी डरते नहीं थे, उन्हें सिर्फ फिक्र थी तो अनिल की, कि उसके ऊपर कोई आंच ना आए, क्योंकि उससे बहुत प्यार करते थे। काव्या जी इस केस को हल करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम बीच बीच में आते रहेंगे, और हाँ सुबह तक आपको संतोष जी की बॉडी दाह संस्कार के लिए हैंडओवर कर दी जाएगी। चलते हैं हम अभी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेफिक्र होकर बता दीजिएगा। बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना।
सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, खाली पेट बेचारा। एक गोली तो सीधा सीने में धस गई, एक मिनट से भी कम समय लगा और ऑन द स्पॉट डेड। पोस्टमार्टम तो क्लियर है शिंदे। अब जरा हिस्ट्री की शीट्स की फाइल निकालो और पता लगाओ कि इंस्पेक्टर संतोष ने किस किस अपराधी को सलाखों के पीछे किया था, क्योंकि ये मामला तो दुश्मनी का ही लगता है। जी सर, दिन दहाड़े गोली चलाना किसी पेशेवर क्रिमिनल का ही काम लगता है सर। और क्रिमिनल्स ने पार्क के सामने की वो सड़क चुनी जहाँ ना कोई दुकान है और ना कोई घर, ताकि सीसीटीवी में ना आ जाए। इतना शातिर दिमाग कौन है ये? मैं फाइल देखता हूँ सर। और एक बात शिंदे, हवलदार को बोलो कि इंस्पेक्टर संतोष की डेली लाइफ की रूटीन के बारे में पूरी जानकारी निकाले। पता लगाओ कि उनकी पुलिस लाइफ के अलावा किन किन लोगों के साथ उठना बैठना और किन किन लोगों के साथ बातचीत रहती थी। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर संतोष के बाद कोई और भी टारगेट हो? खाना खा लो माँ। खाना खा लो माँ। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? इतना स्ट्रेस मत लो, बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? खा लो। खाना खाओ, मैं देखता हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बदतमीज। उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई। पति मेरा मरा, सुहाग मेरा उजड़ा, बेटा मेरा यतीम हुआ, कलेजा मेरा फटा और तू आई है मुझे ताने कस ले। मेरे घर से तू निकल। तुम दोनों माँ बेटों ने मिलकर संतोष का जीना मुश्किल कर रखा था और अब ऐसे जता रही हो जैसे कितनी पतिव्रता हो। हाँ मैं हूँ पतिव्रता। अपने पति से मैं झगड़ा करूँ, लड़ाई करूँ, वो मेरा पति था, किसी और के पति की बेस्ट फ्रेंड बन के उसका घर तो सत्यानाश नहीं कर रही थी ना मैं। अरे वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारी अक्कल पे पर्दे पड़ गए हैं क्या? देखिए आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ पर रहने नहीं आई हूँ, मैं ये देखने आई थी कि तुम्हारी माँ एक्टिंग में कितनी मास्टर है। कौन थी ये और इतना चिल्लाकर बहस क्यों कर रही थी? ये संतोष की दोस्त है, इनका मेरा कभी कभी ऐसे होता रहता है। बताइए इतनी रात को कैसे आना हुआ हमारे यहाँ? बॉडी लेते समय आप ये सामान भूल गए थे, वही देने आया हूँ। ये इंस्पेक्टर संतोष की वो चीज़ है जो आखिरी वक्त उनके बॉडी पे थी, टी शर्ट, घड़ी, वॉलेट। जी शुक्रिया। कौन थी वो जो इंस्पेक्टर संतोष की फ्रेंड थी, क्या नाम था उसका? नेहा, ये सही लड़की नहीं है। अनिल तू चुप हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना। बोलने दीजिए उसे, बोलो बेटा। ये पापा की दोस्त थी, इसे मम्मी से बहुत प्रॉब्लम है। ये पापा को मैनिपुलेट करती थी और पापा पे भड़कती थी। पापा नहीं मानते थे तो कभी कभी रूठ जाती थी और कभी कभी झगड़ा भी करती थी। मुझे इस पर पूरा शक है।
ये हिस्ट्री सीटर के लोग भी ना सारे जेल का खाना और बाहर की हरामखोरी खा खा के मोटी चमड़ी के हो गए। आइचा गावत, इनको कितना भी मारो कुछ नहीं बोलेंगे। बात को ऐसा घुमाएंगे कि खोपड़ी का हिसाब किताब हो जाता है। एक बात बोलो साहब। बोलना कदम। लॉकअप वाले तो कुछ बोले नहीं, तू ही बोल दे कुछ। मुझे ये काम किसी पेशेवर का नहीं लगता है साहब। क्यों और कैसे, जरा क्लियर करा। बोलो कदम। देखो घबराओ मत, सीनियर हो तो क्या हुआ, केस को सॉल्व करना टीम वर्क है। हमेशा बैट्समैन ही टीम को नहीं जिताते, कभी बॉलर भी लास्ट बॉल पे छक्का मार के टीम विन करा देता है। मुझे ये लगता है साहब ये किसी नए खिलाड़ी का काम है। और वो खिलाड़ी बॉलर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है या कीपर है? इस केस के प्लानिंग में झोल है सर, बॉलर या कीपर कोई भी हो सकता है। कीपर यानी कोई घर का, और बॉलर यानी कोई ऐसा जो ऑफिशियली बाहर का है लेकिन है अंदर का, यानी अफेयर। यस सर, मुझे भी बॉलर ही लगता है क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है सर। वेरी गुड शिंदे, सुनाओ। वैसे भी कदम ने मुजरमों की प्लानिंग में झोल ढूंढ लिया है। झोल है सर, बहुत बड़ा झोल। जिसने भी हत्या की या करवाई है उसने जो भी प्लान बनाया अचानक में बनाया। ऐसा लगता है हत्यारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। कैसा ऑप्शन? एडजस्टमेंट का। यहाँ पे लोग रिश्ते जीते का है सर। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, प्रैक्टिकल सोच के तराजू में तोलते हैं रिश्ते को। यही वजह है अपने देश का क्राइम रेट जितना भी हो उसमें रिश्तों की वजह से हुआ क्राइम रेट सबसे टॉप पर है। परफेक्ट एनालिसिस किया शिंदे तुमने। कातिल के पास इस रिश्ते को झेलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। इंस्पेक्टर संतोष की पत्नी के अलावा भी वो लीड क्या है? नेहा, इंस्पेक्टर संतोष की फ्रेंड, पूरी डिटेल लेकर आया हूँ। घंटों कॉलिंग, घंटों चैटिंग, और इतना ही नहीं लाखों रुपए का ट्रांसफ़र नेहा की अकाउंट में, वो भी इंस्पेक्टर संतोष के अकाउंट से। एक ईमानदार पुलिस वाला जिसकी पगार सिर्फ 33,000 रुपये है उसके पास लाखों रुपए कहाँ से आए? और जिसे वो लाखों रुपए देता था वो अपना ATM क्यों खराब करेगी? सर बॉलर बॉलर होता है, बैट्समैन के अपोजिट ही वर्क करता है। उठाओ उस लेडी बॉलर को। आप बताइए कि आपने अपने ही बैट्समैन को क्यों आउट किया? एक निर्दोष की हत्या को आपने क्रिकेट का मैच बना दिया। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक पुलिस वाला होकर दूसरे पुलिस वाले की मौत का मजाक बना रहे हो। दोषी कोई और है और आप लोग मुझे ही डिटेक्ट कर रहे हो। मैडम जी जरा ताव कम दिखाइए और लेक्चर का ही और यहाँ सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दीजिए। देखो नया, अब ढोंग करके कुछ फायदा नहीं है। हमें जान चुके हैं कि इंस्पेक्टर संतोष ने तुम्हें लाखों रुपए दिए और उसके पीछे वजह है तुम्हारा उसको ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल? क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? और आप लोगों को मैं ब्लैकमेलर नजर आ रही हूँ? संतोष मेरा एक अच्छा दोस्त था और वो भी पुलिस वाला। कोई भी उसको रिश्वत देता था ना तो उसको 2 लगा कर देता था। ऐसा था संतोष। देखो फिलहाल खींच के लेने का मन मेरा कर रहा है लेकिन कानून ने हमारे हाथ बांधे हुए। मना ली? देखो तुम्हारे चैट ने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अब सच सच बताओ क्या किया था तुमने? आप लोगों ने मेरी चैट पढ़ी? आप लोगों ने बिना मेरी परमिशन के मेरी चैट कैसे पढ़ी? आप लोगों को पता है ना कि किसी की पर्सनल चैट बिना उसकी परमिशन के पढ़ना इलीगल है। देखो फिलहाल तुम हमारी प्राइम सस्पेक्ट हो तो प्लीज कोऑपरेट करो। तुमने ब्लैकमेल किया था या नहीं? मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। वो लोग मेरे पे 7 लाख का कर्जा छोड़ के गए और संतोष मुझे बहुत रिच दिखा। उसके पास बहुत सारी जायदाद थी तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा इमोशनल उसको करूँगी तो वो मेरी कुछ हेल्प करेगा। और उसने मेरी हेल्प की, सिर्फ एक अच्छे दोस्त के नाते हेल्प की। और इसे आप ब्लैकमेलिंग नहीं कह सकते हो। तू झूठ बोल रही हो। तुमने उसे मैसेज किया था और मैसेज में साफ साफ लिखा था अगर पैसे नहीं दोगे तो अनिल की माँ को बता दूंगी। क्या बताने की धमकी दे रही थी?
बोलो। यही कि मेरा और उसका अफेयर है और वो भी बस एक मजाक था, वो सीरियस नहीं था। मेरा और उनका अफेयर था ही नहीं, हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्त दोस्त को धमकी नहीं देते नेहा। झूठ बोल रही है वो, मेरे संतोष ऐसे नहीं थे। एक मृत इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रही है, मेरे पति किसी भी औरत के चक्कर में नहीं थे। ये तो वो भी कह रही है कि उसके संतोष अच्छे थे और उसका संतोष के साथ कोई अफेयर नहीं था। ये तो हमें शक है कि उसका अफेयर था, इसीलिए तो लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। शर्म आनी चाहिए मेरे मरे हुए पति के ऊपर इल्जाम लगाते हुए। अगर अफेयर नहीं था काव्या जी, तो नेहा के साथ इतनी नफरत क्यों आपको? क्योंकि मुझे संतोष के दोस्तों में औरत वाली दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो बार बार मेरे संतोष कहती थी। जब देखो मेरे सामने ऐसे ही कहती थी। मुझे भरोसा था मेरे पति पर, इसलिए अफेयर का तो सवाल ही नहीं उठता। रही पैसों के सवाल, तो शायद वो मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही हो। संतोष डर गए होंगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने दोस्ती ही इसलिए की थी कि मेरे पति से पैसे घिस सके। अगर ब्लैकमेलिंग नहीं थी तो संतोष ने 5 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए? दोस्ती में, उसने मेरी दोस्ती में मदद की। और संतोष मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि उसकी हत्या मैंने की है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और मैं उसकी हत्या क्यों करूंगी? जो मुझे पैसे देता था, जो मेरी मदद करता था, जिसके साथ मैं सुरक्षित फील करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? ये तो तुम बताओगी ना। तो सुनिए, संतोष को मैंने नहीं मारा है और उसे मारकर भी मेरा क्या फायदा होने वाला था? उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ है। और संतोष के साथ मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि मुझे बोझ लगे। और अक्सर रिश्ते वही बोझ लगते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल रिश्ते तोड़ने में ही उलझनी होती है। जिसको बताएगा तू, हाँ? मार डालूंगा तुझे। वो तुम्हारे साथ कैसे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में मदद की। नींद नहीं आती है मुझे, क्योंकि वो मेरे सपने में आते हैं। मुझे तुम लोग का साथ नहीं देना। मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं आया। दोनों शब्दों से खेल रही है, कोई लिंक ही नहीं मिल रही। पत्नी कुछ कह रही है, फ्रेंड कुछ कह रही है। फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड सर। वरना जरा सोचिए, नेहा और काव्या उस रात आपस में इतने चिल्लाती हुए बहस कर रहे थे, ये एक फ्रेंड होने के कारण नहीं होता। एक पुलिस वाले की पत्नी की इतनी छोटी सोच नहीं हो सकती कि उसके पति का कोई फीमेल फ्रेंड नहीं हो सकता। ये मामला फ्रेंड से आगे बढ़ चुका था सर, और घर में क्लेश शुरू हुआ होगा। फिर तो ये रिश्ता काव्या पर बोझ होता, फिर हमारा सस्पेक्ट नेहा कैसे? हमारा पहला शक पत्नी पर जाना चाहिए था, गर्लफ्रेंड पर क्यों? राइट सर, बट शक गर्लफ्रेंड पर भी जायज़ है, क्योंकि किसी को पाने की जिद जो होती है वो इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद नेहा ने संतोष पर दबाव बनाया होगा कि वो नेहा से शादी कर ले और काव्या को छोड़ दे, और संतोष के लिए यह मुश्किल हुआ होगा और उसने उसको इनकार किया होगा। जिद्दी नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा और वो काव्या से ईर्ष्या करने लगी होगी, संतोष पे चिढ़ गई होगी। और फिर ये सिर्फ अंदाज है, कड़ियों को जोड़ने के लिए लिंक और सबूतों का सिंक होना बहुत ज़रूरी है। बट एक बात तो पक्की है सर, कातिल या तो पत्नी है या फिर गर्लफ्रेंड, क्योंकि मोटिव ऑफ द मर्डर दोनों के पास है। खाना खा लिया आपने माँ? अनिल, तूने सब कुछ किया है ना? क्या किया मैंने? मैंने तेरे मोबाइल से सारी चैट कर ली है, सब तूने किया है ना?
ओके, तलाश जारी रखो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। तुमने पढ़ा? नहीं सर, लेकिन एक्सपर्ट से मैंने बात की, उन्होंने जो मुझे बताया वो सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। इंस्पेक्टर संतोष की हत्या पुलिस के गन से हुई है। क्या? हाँ सर, और जो उनके बॉडी में गोली मिली थी वो 0.7 mm की थी, और जिस गन से ये गोली चली है वो नीबी सिक्सर नाम की गन थी, जो अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स को दी थी, और ये गन सिर्फ इसी स्टेट के पुलिस के पास है सर। यानी इंस्पेक्टर संतोष की हत्या उन्हीं के गन से हुई है। एग्जैक्टली सर। शायद हमने केस सॉल्व कर लिया। चलो, संतोष जी की गन कहाँ है? गन को पुलिस डिपार्टमेंट में हैंडओवर करनी है। जी, मैं लाती हूँ। सर, ये तस्वीर उस दिन उस जगह पर थी, जगह क्यों चेंज हुई? शिंदे, कुछ लोग वास्तु और ज्योतिष को मानते हैं, शायद इसलिए तस्वीर की जगह शिफ्ट हुई है। मतलब काव्या काफी धार्मिक है। एलिजियन का शिंदे, अगर संतोष के गन से गोली चली थी तो उसके गन में सिर्फ 3 गोलियां होनी चाहिए थी। यस सर। बाकी की 3 गोलियों का मिलना मतलब बाकी की 3 गोलियां उसमें बाद में डाली गई थी। यस सर। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के हिसाब से उस पर कोई फिंगरप्रिंट का निशान भी नहीं था, यहाँ तक कि संतोष की खुद की उंगलियों का निशान भी नहीं था। क्यों, आखिर क्या वजह हो सकती है? आपने ही मारा था ना, बताइए किसे सुपारी दी थी आपने? ये क्या बकवास कर रहे हो? जिस गन से संतोष जी की हत्या हुई है वो खुद संतोष जी की गन थी, और वो आपके घर में पाई गई है, और आप इसे बकवास कह रही हो? जब गन से गोली चली थी तो उसमें 3 खाली और 3 बुलेट मौजूद होनी चाहिए थी, मगर फिर भी आप लोगों ने उसमें 3 गोलियां डाल दी, और आप इसे बकवास कह रही है? गन से आपने उंगलियों के निशान तो मिटा दिए, लेकिन गोलियों से निशान मिटाना भूल गए। बुलेट्स पे आपके उंगलियों के निशान मिले हैं, और 3 गोली आपने बाद में डाली है। झूठ! आप मुझे और मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो। बेटे को? बेटे का तो हमने जिक्र भी नहीं किया। अनिल, अनिल को कुछ मत करना। अनिल ने कुछ भी नहीं किया है, उसे कुछ मत करना, उसे कुछ भी मत करना। अनिल ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब अनिल ने ही सब कुछ किया है। उठाओ इसके बेटे को। बहुत हो गया, अभी भागना अनिल। चलो पुलिस स्टेशन, अब मजा चखाता हूँ। चल। देखो, जो कुछ भी है सच सच बता दो। तुम सब लोग बच्चे हो, पुलिस वालों की मार सह नहीं पाओगे, इसलिए हर एक बात सच सच बता दो। बता दो। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है, समझी? मेरी दोस्त। सिर्फ आपकी दोस्त है वो? जी। सिर्फ आपकी दोस्त? कौन दोस्त की इतनी मदद करता है पैसों से? हाँ, इतने सारे तो आपके मेल दोस्त है, आपने कभी किसी को 1,000 रुपए की भी हेल्प की है? अच्छा,
तुम मेरी जासूसी करती हो, मेरी चैट पढ़ती हो तुम। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म 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 आपको आनी चाहिए संतोष। 15 साल का बेटा है हमारा और आप उस बेकार की औरत के साथ में जाके गुलछाते उड़ाते हो। तुम्हारे दिमाग में इस शक का जो कचरा भरा है ना, इसे बाहर फेंको, वरना मुझे तुम्हें एक दिन छोड़ना पड़ेगा, समझी? तेरा बाबा एक साथ दो दो पिक्चर देख रहे हैं, वो भी एक ही डिस्प्ले पर। मजाक मत उड़ा, खोपड़ी घूम हुई है मेरी। सॉरी, मुझे सबूत इकट्ठा करने हैं। मेरी माँ सही है और मेरा बाप गलत, तो भी मेरे बाप ने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, ये गलत किया, बहुत गलत। नेहा, तुम टेंशन मत लो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रही बात मेरी पत्नी की, मैं उसे समझा लूंगा। जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो लोग क्यों हमें गलत समझेंगे? क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी है। देखो ना, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है ना तुम्हारे साथ सोना है, मैं सिर्फ दोस्ती ही तो मांग रही हूँ ना। ऐसे चिपकते है क्या? पागल हो गया है क्या तू? अपने बाप को ठोकेगा तू, और तू चाहता है कि इसमें मैं तेरा साथ दूँ? नहीं यार, उसने मेरी पढ़ाई में मदद की है, अच्छा आदमी है रे। मदद तो उसने नेहा की भी की है, अपने घर वालों की नींद चैन छीन कर दूसरों की मदद करना ये अच्छी बात है, पत्नी पे हाथ उठाना और पराए औरत की गले लगना ये अच्छी बात है। अरे भाई, ये बड़े लोगों का मैटर है, अभी अपन उस लेवल तक नहीं पहुंचे। मेरे बाप का लेवल गिर चुका है, इससे पहले कि वो नेहा के चक्कर में आके मेरी माँ को छोड़ दे और मुझे अनाथ कर दे, इससे अच्छा मैं खुद ही अनाथ हो जाता हूँ ना। कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाएगी, मेरी इज्जत, मेरी माँ की इज्जत। मुझे बस इतना जानना है कि तुम दोनों मेरा साथ दोगे या नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ रहना है, और उसके बदले में मैं तुम दोनों को 1,00,000 रुपया दूंगा। काव्या, काव्या मैं जा रहा हूँ जॉगिंग के लिए। मुंह ढक लो तुम दोनों, ये बहुत जरूरी है। एक बार और सोच ले। सोच लिया, हाथ भी कांप रहे, नहीं करना जरूरी है। माँ बहुत प्यार करती है मेरे बाप से, और मैं भी चाहता हूँ उन्हें, पर ये रिश्ता बोझ बन चुका है, करना बहुत जरूरी है।
चलो मुठक लो। रुको, मैं काउंट करके आता हूँ। अरे संतोष सर। अरे शंभू जी, कैसे हैं भाई? अरे सर, थोड़ा फिट होने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं सर। नाकाम कोशिश क्यों? अरे फिट रहने की कोशिश करना ही चाहिए। अरे सर, आपकी तरफ से पुलिस में थोड़ा आपकी तो आदत हो गई है सर। ऐसा नहीं है संभू जी, हमारे डिपार्टमेंट बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो फिट रहने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशन से फिट रहने का कोई संबंध नहीं, जिसे फिट रहने का शौक है वो फिट रहता है। रास्ता था समझने का और समझाने का, यह कौन सा रास्ता चुना तुम लोगों ने? बर्बादी से बचने के लिए बर्बाद करो। हमने पता किया, नेहा का तुम्हारे पिता के साथ कोई भी अवैध संबंध नहीं था। हां, नेहा ने कोशिश जरूर की थी, पर तुम्हारे पिता वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। काव्या जी, आपको हमसे पहले से ही अपने बेटे अनिल के इस जुर्म के बारे में पता था, फिर भी आप चुप रही और हमें गुमराह करने की कोशिश की। केस तो आप पर भी बनेगा, क्या मिला आपको ये सब करके? पति खत्म, बेटा जेल में, और अब आप भी जेल में जाएंगी। जुर्म कोई भी हो काव्या जी, अंजाम सिर्फ जेल होता है।